हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ये 8 नंबर और 9 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये हमारे 10 नंबर के कान्हा जी के भी आ जाएगी। इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बहुत सुंदर ड्रेस बनी है इस तरह से। आज हम कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये मैंने शाइनिंग वाला कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई जो मैंने सॉरी इसकी जो चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है, 7 इंच, और इसकी लंबाई मैंने 62 इंच ली है, 62 इंच ली है। और हमने इसी के लंबाई चौड़ाई पेपर पेस्टी ली है। अब हम क्या करेंगे, इसे इसमें एक तरफ शाइनिंग होती है, एक तरफ सादा होता है। अब शाइनिंग हम नीचे रखेंगे और अपना कपड़ा सीधा रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे। मैं प्रेस लगाकर और दोनों साइड से सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चारों तरफ सिलाई लगा लिया इस तरह से, प्रेस करके सिलाई लगा ली है मैंने। अब हम क्या करेंगे, ये चारों तरफ मैंने सिलाई लगा लिया और प्रेस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से हम ये फोल्ड करेंगे इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पे मैं ये वाली लेस लगाऊंगी इस तरह से करेंगे, वैसे। और हम ये वाली लेस यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे, इस तरह से रखकर। सिलाई कर लेंगे इस तरह से रखकर। मैं सिलाई कर आपको दिखाती हूँ इसे लगाकर। मैंने इस तरह से लेस लगा ली है यहाँ पर इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसमें टिश्यू रिबन लगाएंगे कि हम दोनों साइड से हम इसे लॉक कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से लॉक करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से लॉक कर लेंगे। ये मैंने दोनों साइड से इसे छोड़ के यहाँ से मैंने टिश्यू पेपर लगा लिया दोनों साइड से इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लेट्स डालेंगे इस तरह से, प्लेट्स डालेंगे इसमें इस तरह से। इस तरह से प्लेट्स डालकर आपको दिखाती हूँ। मैं प्लेट्स डालकर दिखाती हूँ। इसमें प्लेट्स लगा ली इस तरह से, इसका नेफा नाप के दिखाती हूँ इस तरह से। हम इसको सवा 8 इंच में लगाई है। ये मेरे 10 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस है। आप इसे 9 नंबर के कान्हा जी और 8 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकती हैं। अब हम इस तरह से करके इस पर प्रेस लगा लेंगे तो हमारी प्लेट्स आराम से इस तरह से, घेरा भी हमारा गुलाई में आ जाएगा। इस तरह से प्रेस लगा लेंगे। और ये मैंने चोली के लिए कपड़ा कट किया है, इसकी चौड़ाई जो मैंने 5.5 इंच रखी है, 5.5, और इसकी लंबाई मैंने 13 इंच रखी है।
अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई यहाँ पर किनारे से लगा लेंगे। मैं एक सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। मैंने ये सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे, इस तरह से। इस तरह से हमारा सीधा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक प्रेस लगा लेंगे। मैं इसमें प्रेस लगा कर और ये साइड से, दोनों साइड से हम टिश्यू रिबन लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से रखकर इसमें हम दोनों साइड से टिश्यू रिबन लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने दोनों साइड से टिश्यू रिबन लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ से इसे काट लेंगे। अब हम यहाँ पे इसके इस तरह से रखकर 1.5 इंच तक मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से हम इस तरह से लगाएंगे तिरछी सिलाई, यहाँ से इस तरह से। मैं सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। मैंने ये सिलाई यहाँ तक लगा ली है और ये मैंने 2.25 इंच तक लगाई है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से रखकर यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेंगे हम तिरछी, यहाँ से हम इतनी डेढ़ इंच तक लगा लूँगी मैं सिलाई। यहाँ पे भी इस तरह से रखकर तिरछी सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे भी मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ दोनों साइड से। मैंने ये दोनों साइड से इस तरह से तिरछी सिलाई लगा ली है, यहाँ पे भी मैंने लगा लिया और ये हमारी चोली बनके तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, और हाँ, ये मैंने प्रेस लगा के तैयार कर लिया। इस पर यहाँ पे प्रेस लगा लिया और इस तरह से हमारा घेर बनके तैयार हो गया। इस तरह से बनके तैयार है। अब हम इसमें चोली अटैच करेंगे, इस तरह से रखेंगे हम यहाँ पे, इस तरह से सिलाई करते हुए। इस तरह से सिलाई कर लेंगे, इस तरह से सिलाई कर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने चोली अटैच कर ली है यहाँ पर। इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई।